हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो एसपीएम सीआईएल की तरफ से निकल कर आ रही है। विदाउट गेट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोगों को पैकेज 15 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, यही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है, जो एक पीएसयू है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, तक हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें आप लोग को सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीटीसी 15 लाख पर एनम मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी बीवीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और उसके साथ मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बीवीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेप्यूटी मैनेजर ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपर के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी बीवीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, और उसके साथ मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और लास्ट पोस्ट है डिप्टी मैनेजर आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके बीवीटेक में होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 23rd जनवरी 2023। एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 23rd जनवरी 2023। इसमें आप लोग का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके लिए डेट और वेन्यू आप लोग को बाद में ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। सिमिलरली एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए वेटेज 75% रखा गया है, और इंटरव्यू का वेटेज 25% रखा गया है। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें फ्रेंड्स, यहीं पे टोटल पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट में से क्वेश्चंस रहेगी। जिसमें फर्स्ट सेक्शन पे आप लोग जो भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करोगे उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में से 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, और 90 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद सेकेंड सेक्शन पे जनरल अवेयरनेस में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी, 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। थर्ड सेक्शन पे इंग्लिश लैंग्वेज में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। फोर्थ सेक्शन पे लॉजिकल रीजनिंग में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। और फिफ्थ सेक्शन पे
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 15 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगी और 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आप लोग का क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे रहेगी और इसमें टोटल एग्जामिनेशन के लिए 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन रखा गया है। एग्जामिनेशन का डेट, टाइमिंग और वेन्यू आप लोग को बाद में कॉल लेटर के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग का जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मीरूत, गाजियाबाद, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई पे रहेगी। इसमें जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम आपको आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और उसके साथ एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के टाइम अपलोड करना होगा। डिक्लेरेशन का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस सबमिट करने के बाद आप लोग को उसको प्रिंट आउट करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना है। उसका हार्ड कॉपी आप लोग को कहीं पे सेंड नहीं करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अपलोड करना है हर एक डॉक्यूमेंट्स का डायमेंशन, साइज और फॉर्मेट भी यहीं पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें आप लोग एक ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए जाते हो तो उस टाइम आप लोग को कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बट अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उस केस में आप लोग को ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोग को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्लिक हियर टू अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह की इंटरफेस ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आप लोग को क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट आपको आपका नेम फिल करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद सिक्योरिटी कोड यहीं पे फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो स्कैन कॉपी है वो आप लोग को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस का जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका स्कैन कॉपी और उसके साथ आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका स्कैन कॉपी आप लोग को यहीं पे अपलोड करना होगा। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने पेमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगी और उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और उसके बाद आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल करना है और उसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल ओपन हो जाएगी और आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देना है। तो फ्रेंड्स ये इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था। आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया नोटिफिकेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।